subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो सिंपली आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि न्यूक्लिक एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि एक ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जानदारों में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे आपने इसके बारे में बात जहन में रखनी है कि एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है चेन। किस चीज़ की चेन है ये? न्यूक्लियोटाइड्स की। जिस तरह से एक दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स से। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हम इसकी डिस्कवरी की तरफ जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो कहता है कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक मेस्टर ने। इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था कौन से ईयर में? 1869 में। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट कि फ्रेडरिक मेस्टर ने न्यूक्लिक एसिड को किस कंडीशन में और किस जगह से डिस्कवर किया था। तो कहते हैं कि फ्रेडरिक मेस्टर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम, कहाँ से डिस्कवर कर रहा है? कहते हैं कि पहले नंबर पर फिश स्पर्म। इसने न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फिश स्पर्म में देखा और पस सेल यानी के पीप जिसे आप कहते हैं उसमें देखा। तो कहते हैं कि इसे फिश स्पर्म या पस सेल में जो न्यूक्लिक एसिड की शक्ल नज़र आई वो कैसी थी। कहते हैं कि फिश स्पर्म और पस सेल में क्या चीज़ मौजूद थी? इसमें मौजूद था एक वाइट सब्सटेंस। इन सेल्स के अंदर सफ़ेद रंग का एक सब्सटेंस मौजूद था। और ये सब्सटेंस कहाँ मौजूद था? ये सेल के न्यूक्लियस में मौजूद था। वाइट सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये वाइट सब्सटेंस जो है ये कहाँ मौजूद था? न्यूक्लियस में। और आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये एसिडिक इन नेचर होता है। न्यूक्लियस इज एसिडिक इन नेचर। क्योंकि न्यूक्लियस एसिडिक की नेचर था तो लिहाजा इस वाइट सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया गया? इस वाइट सब्सटेंस को नाम दिया गया नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। सो ये वर्क था फ्रेडरिक मेस्टर का। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि इसके ऑलमोस्ट अक्रेंस हो, इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे इसकी टाइप्स के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड
कितनी टाइप्स का होता है और इसकी अकरेंस क्या है। तो पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो टाइप्स का होता है। वन टाइप इज डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर टू इज आरएनए। सो स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड कि कभी भी न्यूक्लिक एसिड का वर्ड यूज हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर किसकी बात हो रही है, डीएनए या आरएनए की। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसके अलावा अगर आप बात करें तो प्लास्टिड्स में पाया जाता है। इसी तरह आरएनए की बात करें, आरएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी अकरेंस की। कहता है कि न्यूक्लिक एसिड किन जानदारों में मौजूद होता है। हाँ जी, कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इन All organisms in the world, दुनिया में तकरीबन तमाम जानदारों में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हम वर्क देखेंगे। पीए लेवियन का, पीए लेवियन वो साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था। कहते कि 1869 में, आप लोगों ने पहले ये बात डिस्कस की है कि 1869 में न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ था, लेकिन उस वक्त इसकी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया था। लिहाजा आफ्टर 50 ईयर्स इन 1920 में डिटरमाइंड पीए लेवियन ने डिटरमाइंड किया। क्या डिटरमाइंड किया? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को। इसने ये बात बताई कि एक्चुअली जो न्यूक्लिक एसिड है ये किससे मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। जिस तरह से एक दीवार ईंटों से बनती है, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर किसे बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। अब फिर नेक्स्ट मजीद इस पर और डिस्क्राइब करते हुए पीए लेवियन ने मजीद ये कहा कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा है और न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये मजीद तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं। पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है, नंबर वन इज फास्फेट ग्रुप, जिसे आप फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाती है वो क्या है, 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो 5 कार्बन शुगर पाया जाता है उसे आप डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। और इसी तरह से आरएनए का जो 5 कार्बन शुगर होगा उसे आप राइबोस कहते हैं। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में फ़र्क क्या है वो भी हम यहाँ पर सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि 5 कार्बन शुगर इन आरएनए अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइबोस पाया जाता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3,
कार्बन नंबर 4 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब कहते हैं कि इसके फर्स्ट कार्बन के साथ मौजूद होता है एच ओ एच, दूसरे के साथ मौजूद है एच ओ एच, तीसरे के साथ मौजूद है एच ओ एच, और इसी तरह से कहते हैं कि चौथे कार्बन के साथ और पांचवें कार्बन के साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर क्या होगा एच। सिमिलरली अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो ये हमारे पास जो 5 कार्बन शुगर है इसे राइबोस का नाम दिया जाता है, और डीऑक्सीराइबोस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा एक वर्ड देन में रखना है डीऑक्सी, यानी कि ऐसा राइबोस शुगर जिसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। तो रिमूव कहाँ से हो रहा है, देखें ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। पहले कार्बन के साथ सिमिलर एच ओ एच अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ एच अटैच है लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव है, डेट्स वाई इसे डी ऑक्सीराइबोस कहा जाता है। तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, यहाँ पर सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर क्या होगा एच। सो दिस वन इज डी ऑक्सी राइबोस। अब तीसरी चीज़ जो न्यूक्लियोटाइड को बनाती है वो कौन सी है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वह हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस के न्यूक्लिक एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं, पहले ग्रुप को नाम दिया जाता है प्यूरीन्स का, दूसरे ग्रुप को नाम दिया जाता है पायरीमिडीन का। प्यूरीन में जो नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं वो आती हैं एडिनिन, जिसको कैपिटल ए से भी इंडिकेट किया जा सकता है, दूसरी इसमें आती है गुआनिन जिसको कैपिटल जी से भी इंडिकेट किया जा सकता है। पायरीमिडीन की अगर हम बात करते हैं तो पायरीमिडीन इन केस ऑफ आरएनए, तो यहाँ पर जो बेसिस आएंगी वो कौन सी होंगी, यूरासिल जिसे आप कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं, और दूसरी साइटोसिन। लेकिन अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए में पायरीमिडीन कौन सी होंगी, यूरासिल की जगह होगा थायामीन जिसे कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा साइटोसिन जिसे आप कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। एक और पॉइंट देन में रखेंगे आप कि जो प्यूरीन्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग होता है, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह की शेप रखते हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो ये सिंगल रिंग रखते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, कौन सी, फास्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये मिलकर किसे बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड को। अब हम न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं इन्हीं तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ से 5 कार्बन शुगर लेते हैं, 5 कार्बन शुगर आप कोई भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन, और ये इनके दरमियान। और दूसरी चीज़ जो न्यूक्लियोटाइड को बना रही है कौन सी है जी, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन के साथ अटैच होगी, कीप इट इन माइंड कि नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहते हैं हमारे पास कौन सी है, ये थायामीन, ये सिंगल रिंग है जिसके ऊपर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आ गया। अब कहते हैं फर्स्ट कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा और तीसरे कार्बन के साथ मौजूद होता है फ्रीली हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब
तीसरी चीज़ जो न्यूक्लियोटाइड को बना रही थी कौन सी है? फास्फेट ग्रुप। ये कहाँ पर मौजूद होता है? फास्फेट ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट और अटैच्ड एट कार्बन नंबर 5 PO4। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन चीज़ें आपस में मिली हैं, तीनों कंपोनेंट्स आपस में मिले और इन्होंने मिलकर किसे बना दिया? न्यूक्लियोटाइड को। अब हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमेशा जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद यहाँ से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से OH रिमूव होता है और इस प्रोसेस को या इस स्टेप को आप डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं तो कहते हैं कि जब ये वाटर रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बनता है पी ओ और सी के दरम्यान। ये एक एस्टर बॉन्ड बन जाता है और ये एस्टर बॉन्ड फास्फेट से लिंक होता है और इसके बाद यहाँ पर एक और एस्टर बॉन्ड बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन और ये, और उसके बाद यहाँ पर इसे आप बैलेंस कर देंगे। अब कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितने बॉन्ड बने? दो एस्टर बॉन्ड बने। ओ सी को क्या बोलते हैं आप? एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये एस्टर बॉन्ड किसके साथ अटैच हैं? फास्फेट के साथ अटैच हैं। आप की बुक में इस तरह से उसने सेपरेटली करके इन्हें दिखाया, यहाँ पर दो एस्टर बॉन्ड फास्फेट के साथ अटैच हैं, इसलिए इन बॉन्ड्स को क्या नाम दिया जाता है? इन्हें नाम दिया जाता है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड का। तो इसी तरह से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाएंगे। और यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि जब भी एक चेन आपके सामने मौजूद होगी तो उस चेन का हमेशा 5 एंड फ्री होता है और 3rd एंड हमेशा फ्री होता है, यानी कि इस एंड से भी मजीद न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो सकते हैं और 5 एंड से। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क ऑफ एरवन चारगफ। एरवन चारगफ ने क्या बात बताई? एरवन चारगफ शोस डेट इन DNA, कहता है कि DNA में इसने ये बात बताई कि जितनी क्वांटिटी DNA के अंदर एडिनिन की होती है उतनी क्वांटिटी ही थायमीन की होती है और जितनी क्वांटिटी साइटोसिन की होती है इतनी क्वांटिटी गुआनिन की होती है। इन अदर वर्ड्स इसने ये बात बताई कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स इन DNA इज सेम, के प्यूरीन और पायरीमिडीन की जो अमाउंट है वो DNA में क्या होती है? सेम होती है। ये वर्क था एरवन चारगफ का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी के वर्क को मज़ीद प्रूव कैसे किया गया, एक और साइंटिस्ट के वर्क की बात करेंगे हम यहाँ पर, जिसका नाम है रोजालैंड फ्रैंकलिन। तो कहते हैं कि हम नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जो वर्क डिस्कस करने लगे हैं, वो किसका है? रोजालैंड फ्रैंकलिन का। रोजालैंड फ्रैंकलिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक फीमेल केमिस्ट साइंटिस्ट थी जिसने DNA की स्ट्रक्चर को एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया?
इसने एक टेक्निक यूज़ की थी जिसे एक्सरे डिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। इसमें इसने किया क्या था, इसने इसमें एक्सरेज अप्लाई की थी इसने एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की थी किसके ऊपर, डीएनए मॉलिक्यूल पर। जब इसने एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की डीएनए मॉलिक्यूल पर, तो एक्सरेज ने डीएनए मॉलिक्यूल में एनकाउंटर किया किनका, एटम्स का। और एनकाउंटर्स करने के बाद ये यहाँ से एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो गई, और डिफ्रैक्ट होकर कहाँ पर पड़ी, ये फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ी, और वहाँ पर इसका एक डायग्राम शो हुआ। इस डायग्राम को फ्रैंकल ने जब मज़ीद स्टडी किया तो उसने ये बात बताई कि एक्चुअली डीएनए जो है ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसने कहा कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसका जो डायमीटर होता है टोटल वो कितना होगा, 2 नैनोमीटर। और इसने एक और बात बताई कि इसकी जो एक मेजर कर्व है इसका इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर का। मज़ीद डीएनए की स्ट्रक्चर पर दो साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल पेश किया था, उस मॉडल को वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल। एक्चुअली पहले हम देखते हैं कि वाटसन क्रिक कौन थे। वाटसन एंड क्रिक एक्चुअली दो रिसर्चर थे इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, और इसी बेस पर इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनके मॉडल के मेन पॉइंट्स का अगर हम जिक्र करें तो मेन पॉइंट्स इनके मॉडल के कौन से थे। सबसे पहला पॉइंट जिन्होंने बताया, इन्होंने ये बात बताई कि एक्चुअली डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स है। और क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल मीन ऑपोजिट होते हैं। एक डायग्राम के जरिए हम इसको देख लेते हैं। इन्होंने ये बात बताई कि जो डीएनए है इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि क्या बात बताई कि डबल हेलिक्स है, स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई थी, इन्होंने कहा कि इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये 5 to 3 prime एंड स्ट्रैंड है, और ये 3 to 5 एक दूसरे के क्या है, ये ऑपोजिट है। तीसरी बात इन्होंने जो बताई, इन्होंने कहा कि इनकी जो बेसिस होती हैं वो इनवर्ट पोजीशन पर होती हैं, यानी कि फास्फेट और शुगर, या जिसे आप राइबोस शुगर कहते हैं, वो आउटर साइड पर मौजूद होती हैं, और इनकी जो बेसिस होती हैं वो कहाँ होती हैं, इनर साइड पर। ठीक है, बेसिस कहाँ होगी, इनर साइड पर, लाइक दिस। और इन्होंने मजीद क्या बात बताई, इन्होंने ये बात बताई कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो हमेशा प्यूरीन्स और पायरीमिडीन की फॉर्म में होती हैं। प्यूरीन्स जो हैं ये
लार्जर बेसिस होती हैं और पायरीमिडीन स्मॉलर होती हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बात बताई, इन्होंने ये बात कही कि एडिनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दो। और साइटोसिन और गुआनिन ये एक दूसरे के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर हम बात करें तो इन्होंने ये बात बताई कि एडिनिन और थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये बेसिस जो एक दूसरे से अटैच होती हैं, इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। मज़ीद इन्होंने क्या बात बताई थी, इन्होंने मज़ीद ये बात बताई कि जो डीएनए के पूरे डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर। कीप इट इन माइंड कि ये मैंने ओपन इसलिए किया है ताकि मैं आपको यहाँ पर बेसिस को इजीली शो करवा सकूँ। इसका टोटल डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर। और इसकी जो एक कर्व होती है, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा होगा, ये ग्रोव्स का नाम दिया जाता है इन्हें, मेजर ग्रोव्स एंड माइनर ग्रोव्स। तो कहते हैं कि ये जो ये मेजर ग्रोव है, ये मेजर ग्रोव है, ये जो डिस्टेंस रखती हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो मेजर ग्रोव का जो साइज यहाँ पर लिखा है बुक पर हमारे पास, वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। तो ये था वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चरल मॉडल। किसका स्ट्रक्चरल मॉडल था ये, डीएनए पर इन्होंने अपना ये स्ट्रक्चरल मॉडल पेश किया था। और मैं रिपीट करता जाऊं कि इसी मॉडल की बेस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।